आदाब नाजरीन, मैं इरफान और आप देख रहे हैं वीवन न्यूज चैनल। गांधी भवन में प्रेस मीट करते हुए कांग्रेस मिनिस्टर हंतमंत राव और फार्मर मिनिस्टर सिद्धार्थ बाबू और इरफान अजीज AIPC प्रेसिडेंट तेलंगाना, इनका कहना है कि माइग्रेंट्स को ट्रेन की सहूलत ना देने पर ये माइग्रेंट्स के साथ रेलवे स्टेशन पर धरना देंगे। रिपोर्टर अब्दुल रऊफ के साथ मैं इरफान, वीवन न्यूज चैनल। इन लोगों को हौसला दिलाना, इन लोग मांगे सो पूरे डिमांड्स सोच के एक रिलीफ पैकेज डिक्लेयर करो बोल के हमारा प्रेसिडेंट सोनिया जी ने डिमांड करी। सोनिया गांधी जी ने वेज प्रोटेक्शन पैकेज, 1,00,000 करोड़ वेज प्रोटेक्शन पैकेज डिक्लेयर करना बोल के और 1,00,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी फंड डिक्लेयर करना बोल के और जो लोन्स के ऊपर मॉरेटोरियम भी 12 महीने तक रिलीफ देना बोल के मैडम जी ने डिमांड करी दो बार। एक तरफ से नितिन गडकरी जी बोलते हैं स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर कर रहे बोलते हैं। तकरीबन 50 दिन पहले नितिन गडकरी जी ने बोला हम लोग ये पूरे परिश्रम, ये पूरे इंडस्ट्रीज को हौसला दिलाने के लिए, ये पूरे इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को काम नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, अनएम्प्लॉयड नहीं होना बोल के एक स्टिमुलस पैकेज, नेशनल पैकेज डिक्लेयर कर रहे 50 दिन, तकरीबन 50 दिन पहले डिक्लेयर करे। अभी तक तो पैकेज के बारे में मोदी जी बता रहे नहीं, अपना वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी कुछ बात ही नहीं कर रही, कहां पर रुकी पड़ा। इसके वास्ते भी हम जो बता रहे हैं ये सुब्रमण्यम स्वामी जी है, खुद बीजेपी MP है, उन्हें दो बार भी ट्वीट करा, पॉलिटिकल डिफरेंसेस विद इन बीजेपी इटसेल्फ एंड आस्किंग MSME पैकेज। ये आप लोगों को पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से आप लोग MSME इंडस्ट्रीज को पूरी तरह मारना चाह रहे क्या? किसके वजह आप ये स्टिमुलस पैकेज को रुका गया ये हमने बोल रहे, ये उन्हों का खुद MP सुब्रमण्यम स्वामी ने जिसने दो बार ट्वीट करके प्रेस में भी बोला। हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं, राष्ट्र सरकार भी यहां का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यहां का सर्विस सेक्टर जो है ये इंडस्ट्रीज पूरे अपने राष्ट्र में 90% इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट 100% में 90% ये MSME इंडस्ट्रीज आते हैं। हमारे सरकार, तेलंगाना सरकार, तेलंगाना का इंडस्ट्रीज मंत्री, IT मंत्री जो सर्विस सेक्टर देखता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी देखते हैं, अभी तक बात नहीं कर रहे। दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज के बारे में बात करते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, सर्विस सेक्टर के लिए खूब बात करते हैं, भाषण आज 20 से हिंदुस्तान भर में हिंदुस्तान बंद नारा हुआ और 22 से उसके बाद 23 से लॉकडाउन हुआ तो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से बढ़ गया। कोरोना जब से हुआ लोग हजारों लोग मर रहे, किसी को पॉजिटिव आ रहा, किसी को, हरेक आदमी को अपनी तकलीफ है, घर से बाहर नहीं निकल रहे।
अब जब माइग्रेंट लेबर ज्यादा चाहते हैं, पहले क्या बोले सरकार, भाई जो भी जाने वाले हैं उनको हम उन्हों अपने पैसे लगा लेना, 85% या 80% रेलवे बर्दाश्त करती, बाकी का पैसे अपने आप लगा लेना। जब ये ऐलान हुआ सोनिया गांधी ने कहा नहीं, हर स्टेट के जो पीसीसी प्रेसिडेंट है ये लेबर को टिकट दिला के उनको अपने घरों को पहुंचाना, ये हम सोनिया गांधी की बात और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमारे लीडर बोल के अब तैयारी करे। उसके बाद नेक्स्ट डे ने क्या बोला, नहीं नहीं मैं सुख रखता हूं, कोई आने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, जहां जहां ट्रेन जा रहे हैं जहां जहां खाना किनाने का काम करेंगे तो वो भी नहीं बोलते, ट्रेन कब आ रहा सीएफ उन्हीं करता, रिसीव उन्हीं करता, हमारे कोई मौका ही नहीं देते। हम भी पब्लिक के आदमी हुए, क्या बोलते हो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इधर का गवर्नमेंट उधर का, यूपी का गवर्नमेंट होते हो छत्तीसगढ़, ये चल रहा। सिरपुर कागज नगर में जो ईंट बना के जो काम करने वाले लेबर है वो 1500 थे, 1500 का लिस्ट 4 तारीख का दिन दिए, 4 मई को दिए, अभी तक उसका कुछ हिसाब नहीं हुआ। यहां का स्टेट वो जो सिरपुर कागज कलेक्टर गवर्नमेंट को भी भेजा है, आज तक कोई बोलने वाला नहीं। हम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को बात करें, वहां का सीएम के पीए से बात करें, उनको भी लिस्ट भेजा है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर 3 दिन के अंदर उन लोगों को भिजाने का काम नहीं करेंगे तो फिर हम बराबर आप जैसा राजनीति कर रहे हम भी बराबर गरीबों के वास्ते हमारी लड़ाई भी रहेगी, हम बराबर सिरपुर कागज नगर पे धरना करेंगे। 38 क्यों नहीं भिजाते भाई, जहां जहां जा रहे तुम ट्रेन को हम जाके उनको सीएम करें तो कोई नुकसान नहीं कर, दूसरे स्टेटमेंट वाले आयुष वालों को भी हम उनको रिसीव करें तो कोई नुकसान नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा ये क्या है पार्टी का। दूसरी बात, अब जितने भी टेस्ट हो रहे सबसे कम टेस्ट हमारे पास हो रहे, परसों सेंट्रल का टीम आया, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 6 दिन थे, 6 या 7 दिन थे, वो जाने के बाद बड़ा जोरदार काम हुआ बोले, फिर कोई एमपी बीजेपी का एमपी शिकायत करा ये बराबर टेस्टिंग नहीं हो रहा और लिमिटेड टेस्टिंग हो रहा, दूसरे जगह टेस्ट नहीं हो रहा, ये टेस्ट में कुछ आखिरी में कोर्ट भी डायरेक्शन दिया मलेशिया वालों का क्यों टेस्ट नहीं कर रहे, आप टेस्ट बराबर नहीं कर रहे, उसका कोई जवाब नहीं है, ये पॉजिटिव से मरा या कोई दूसरे बीमारी से मरा उसके बारे में भी आप नहीं बोल रहे, तो इसी वजह से फिर एक टीम आ रहा आगे अभी हमको समझता हूं, और एक टीम भी जाए बोले तो सेंट्रल टीम को भी मैनेज कर रहा, एक तरफ ये